वेजिटेबल राइस चीला आज हम बनाएंगे, जिसमें ओवरनाइट फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट और डिलिशियस बनते हैं। राइस चीला के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये चावल। इनको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो आप एक मिक्सर ग्राइंडर में राइस को डालें, उसी के साथ आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और हम इसे बिल्कुल फाइन होने तक पीसेंगे। तो ये चीला बहुत अच्छा बनता है, स्पेशली क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखें इस पॉइंट पे ये थोड़ा दरदरा है, तो हम इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। तो अब ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड आलू। ये मैंने 2 आलूओं को बॉइल, ये चावल और आलू के बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और मुलायम चीले बनते हैं। इसी के साथ आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और, ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो। मैंने और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनाई हैं, उनका लिंक भी मैं ज़रूर डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो चेक करें। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी अब इसकी परफेक्ट है। आप इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, येलो बेल पेपर्स, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, उसी के साथ बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और जीरा। अब आप इसमें डालें नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और इन सबको अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो अपनी पसंद की भी वेजीज डाल सकते हैं, ये बहुत ही डिलिशियस लगती हैं खाने में। तो कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी थिक है, तो मैं थोड़ा पानी और डालूंगी, तो इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी होती है, जैसे आपके किसी भी रेगुलर चीले की है। तो ना तो ज़्यादा पतली ना गाढ़ी, तो ये अब परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रूट सॉल्ट यानी इनो भी इसमें डाल सकते हैं, इससे आपके चीले बहुत अच्छे नरम बनेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी है। एक तवे पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जनरली छोटे राइस पैनकेक्स या राइस चीले बनाना पसंद करती हूँ, आप चाहें तो बड़े भी बनाएं। तो इसको अब हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। आप देखें इस पॉइंट पे इसके टॉप पे बबल्स आ गए हैं और साइज में कलर भी आ गया है। अब आप इसमें डालें 1/2 टीस्पून ऑयल और इसको अब आप पलट के फिर से कुक करें। अभी आप इसे टच नहीं करें, अभी नहीं हिलाएं, क्योंकि ये अभी कच्चा है। तो इसको भी अब हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। अब आप देखें 2 मिनट बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। इस पॉइंट पे इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बस साइड में थोड़ा सा और रह गया है। तो आप इसको पलट के 2 से 3 मिनट तक ईच साइड में और पकाएं। तो देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है इस पर। तो अब आप इसे ट्रांसफ़र करें एक प्लेट पे और इसी तरह आप बाकी के भी सारे राइस चीलास बना के तैयार करें। तो आपने देखा कितने झटपट से और जल्दी बन जाते हैं ये। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर बहुत ही मुलायम है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, टमेटो केचप के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अगर आपको